देश के कर्ता धर्ता। आजकल नया शगल आ गया है, मातृभाषा हिंदी। अरे भाई मुझे क्या बता रहे हो, मैं तो रोजी रोटी कमाता हूँ, तुम कमा के दिखाओ ना सिर्फ हिंदी बोल के। मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी चैनल में भी काम कर सकता हूँ, तुम करके तो दिखाओ। अपने बच्चे वो पढ़ेंगे संस्कृति में, वो जाएंगे डीपीएस, हायर स्टडीज के लिए जाएंगे हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, बोस्टन यूनिवर्सिटी। समाजवाद का झंडा बुलंद करेंगे, बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। कटिंग अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल लाइंस, सारी विचारधाराएं, किसी को भी देखिए। ए बी बर्धन अब वो भी नहीं रहे, महासचिव थे सीपीआई के, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और उनसे मैंने पूछ लिया कि ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, ये जो आप सिद्धांत और फलसफे लेकर घूम रहे हैं, ये कुछ आउटडेटेड नहीं हो गए? अरे नहीं, कैसे आउटडेटेड हुए? मैंने कहा आपका बेटा तो अमेरिका में है, वहीं पढ़ाई लिखाई की और कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा है। अपने घर में समझा नहीं पाए, चले दूसरों को बदल लें, गुस्सा गए, बाहर निकाल दिया, कमरे से निकल आए, निकाल दिया, फिर बुला लिया, बड़ा दिल था, और कहा कि तुम ये बात ठीक कह रहे हो। तो हम वो अभी बेड़िया ही नहीं तोड़ पा रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता के मान सम्मान की जब बातें होती हैं, अभी प्रोफेसर हरीश बोल रहे थे हम चौथा स्तंभ हैं, हम अभी भी सरकार से सवाल पूछते हैं। नहीं पूछते, कहां पूछते हैं, कौन पूछ रहा है? और उसमें भी फर्क है, थोड़ा वर्गीकरण करना पड़ेगा। हिंदी अखबारों में कहां कोई सवाल पूछा जा रहा है, अंग्रेजी में भी कब कब बचे हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। चौथा स्तंभ दरक रहा है, इसमें कोई पशुपेश में ना रहिएगा, पर वो जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपके कांधों पर है। पत्रकारिता से बढ़िया माध्यम और जो एक संतुष्टि मिलती है, वो शायद कोई और पेशा आपको नहीं देगा। और इसी में जो ये अवसर और चुनौतियों की बात आती है, अवसर इतने हैं कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, पहले इंफॉर्मेशन वॉज द किंग, जिसके पास जानकारी वो राजा, इंफॉर्मेशन वॉज एट अ प्रीमियम, मेहनत लगती थी, जान पहचान होनी चाहिए थी, नेटवर्किंग होनी चाहिए थी, नारद मुनि बनना पड़ता था, दर दर भटकना पड़ता था। आज बंद कमरे में बैठे भी आप सारी इंफॉर्मेशन अपने पास ला सकते हैं। और हिंदी स्पीकिंग मार्केट बहुत बड़ा बाजार है, टारगेट ऑडियंस इतना है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसमें जो पत्रकारिता का एक पुराना खांचा साचा है, अब वो टूटता जा रहा है। अभी तक पत्रकारिता, आज की तारीख में भी पत्रकारिता क्या हो रही है? अभी भाई साहब ने थोड़े कसीदे पढ़ दिए। पत्रकारिता तो मैं बहुत दिन पहले छोड़ चुका, अब मैं पत्रकारिता कम कर रहा हूं, मैं मॉडरेशन ज्यादा कर रहा हूं। आई एम अ होस्ट ऑफ अ शो, मैं बिल्कुल ईमानदारी की बात आपसे कह रहा हूं। पत्रकारिता होती है कमरे से निकलकर, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कोई चीज खोज के लाना, व्यवस्था की पोल पट्टी खोलना, सवालों के जरिए ही नहीं, साक्ष्य सबूतों के साथ। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में पत्रकारिता, वो दरअसल जो मैंने शुरू में कहा स्टार एंकर्स बन गए हैं कि एंकरिंग ही पत्रकारिता हो गई, और पॉलिटिकल जर्नलिज्म
24 पन्ने हैं किसी अखबार में, तो उसमें आधे से ज्यादा पन्ने हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल खबरों से भरे पड़े। मानो राजनीतिक पत्रकारिता के अलावा कोई पत्रकारिता ही नहीं है, जबकि समाज के इतने सरोकार हैं। खेती है, किसानी है, स्टार्टअप्स हैं, स्किल इंडिया है, औरतों की समस्याएं हैं, नए किस्म की पैदावार है, अनुसूचित जाति जनजातियों के सरोकार हैं। 4 साल होने को आए, अनुच्छेद 370 हट गया था, आज तक जमहूरियत कायम नहीं हो पाई है, चुनाव ही नहीं हो पाए जम्मू कश्मीर में। ये दायरा इतना व्यापक होता चला जा रहा है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और अब ये सिर्फ अखबारों या ब्रॉडकास्ट मीडियम जिसका मैं हिस्सा हूं, यानी कि टीवी चैनल्स तक महदूद नहीं रह गया। अब आप खुद भी वन मैन शो भी हो, अपने आप में एक मुकम्मल पत्रकार आप बिना किसी की जरूरत के बन सकते हैं और पत्रकारिता कर सकते हैं और समाज में बदलाव भी ला सकते हैं, सरकार की नकेल भी खींच सकते हैं, प्रशासन से जवाब भी मांग सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्लो अब इतना फास्ट एंड फ्यूरियस हो चुका है, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि ये बेलगाम जो घोड़ा बन गया है मीडिया, इसको कैसे रोके, इस पर अंकुश कैसे लगाए। ब्रॉडकास्ट के लिए, प्रिंट के लिए प्रेस काउंसिल है, एनबीडीएसए है, अलग अलग संस्थाएं हैं कुछ लक्ष्मण रेखा खींचने के लिए, पर सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स हैं। अब जहां चाह वहां राह वाला काम हो गया है, ये सीमित नहीं रह गया ये माध्यम। इस बात को आपको समझना होगा और इसमें आपको, जब आप पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता का मतलब क्या है, बेसिक मतलब क्या है, एक लाइन में कोई समझाएगा कि पत्रकारिता क्या होती है? अब ये आप शहीदों की भाषा बोलने लगे, बलिदान किस लिए? हाँ, संतुष्टि के लिए बलिदान क्यों दूं? क्यों नहीं कमाना चाहोगे लाखों करोड़ों भी? मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, बलिदान करने ही क्यों आ रहे हो? कहो कि लाखों कमाऊंगा भी, मर्सिडीज में भी घूमूंगा और जनहित की बात करूंगा, इसमें दिक्कत क्या है? अगर मैं बलिदान को, मैं आपकी बात समझ गया, शायद शब्दों के चयन में आपने थोड़ा सा हेरफेर कर दिया, आप बदलाव करना चाहते हैं समाज में, बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं इसके जरिए। न्यूज का मतलब क्या है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों तरफ क्या हो रहा है उसको आपको बताना है, वो आपको बताना है, तो एक भाषा की बंदिशों में क्यों आप अपने आप को रखना चाहते हैं, उन बेड़ियों में क्यों बांधना चाहते हैं? आपका खुद का दायरा सीमित हो जाएगा। दुनिया में इतनी कुछ चीजें हो रही हैं, आप उनके बारे में नहीं जानना चाहोगे? क्यों नहीं जानना चाहोगे? शादी ब्याह हम करते हैं, जब हम भाषा की शुद्धता पर आजकल बड़ा प्रीमियम है, वही दूसरे के घर से एक रिश्ता बना रहे हैं, एक लड़की, हो सकता है आप उसे पहले से जानते हो या अरेंज मैरिज है, पर जो अनजान थी बहुत सालों तक आपसे, उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं, जीवन संगिनी बना रहे हैं, उसके विचार अलग, आपके विचार अलग, पर साथ चलते हैं ना, पूरी जिंदगी साथ चलते हैं, आगे पीढ़ियां भी चलेंगी। तो हम कहे अपने आप को कि जी हम हिंदी के पत्रकार हैं, सीमित क्यों करना चाहते? और यहीं पे चुनौती आती है,
जब अवसर की बात होती है तो चुनौतियां क्या है? इंफॉर्मेशन इज की। जिसके पास ज्यादा जानकारी वो उतना ताकतवर। आज की तारीख में भाई सीधी सी बात है, जानकारी अगर आप जुटाना चाहते हैं तो हर माध्यम को टटोलोगे या नहीं जी मैं तो एक ही कुएं से निकालूंगा, दूसरा पांच कुओं से पानी लेकर आ रहा है, कौन पानी ज्यादा लेकर आएगा? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जितना ज्यादा दिमाग का दरवाजे खिड़कियां जितनी ज्यादा खोलोगे उतनी बेहतर हवा आएगी, उतनी ज्यादा जानकारी आएगी, वातावरण दूषित नहीं होगा, पानी सड़ेगा नहीं, यानी कि दिमाग आपका सड़ेगा नहीं। तो इसको किए बिना आप पत्रकारिता में आकर कुछ बदलाव करने की बात करें तो वो नहीं होगा। कुछ साल पहले तक तो आलम यह था, और प्रोफेसर हरीश और प्रोफेसर सुरेंद्र को इस बात की जानकारी भी होगी ना, बल्कि आज अगर वाइस चांसलर यहां होते तो मैं उनसे, मेरा मन था ये सवाल पूछने का कि हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, हिंदी में कितनी पीएचडी होती है एमबीयू में, कोई जानकारी है आपको सर? कोई अंदाजा प्रोफेसर साहब? नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया, वो फर्क भी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि हिंदी में कितनी पीएचडी होती है एमडीयू में? अंग्रेजी से ज्यादा। कितनी अंदाजन? मैं ये मानने को तैयार नहीं कि अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी में हो रही है पीएचडी। देखिए अभी वही, जब तक मुकम्मल आंकड़ा नहीं होता मैं इनकी बात मान लेता हूं, पर कुछ साल पहले तक, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं, 30 साल पहले हिंदी की पीएचडी की सिनॉप्सिस भी अंग्रेजी में देनी पड़ती थी, और वेद प्रताप वैदिक ने जेएनयू में इस बात पर एक लंबा चौड़ा आंदोलन कर दिया था। तो 64 की नहीं जी, 80 की बात है, उन्होंने बाद में पीएचडी वो की थी। मैं वही समय की बात कर रहा हूं सर, आज की तारीख में भी आपको रिसर्च अगर करनी है, मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूं बात को, आपको रिसर्च करनी है, कितना अवेलेबल रिसर्च मटेरियल आपको हिंदी में मिलेगा या इंग्लिश में मिलेगा, किस में ज्यादा मिलेगा? इंग्लिश मिलेगा ना। तो हमें कमजोर घोड़े पर बिठाकर और दूसरे को अरबी घोड़े पर बिठाकर मुकाबला करवा रहे हैं, क्यों करें मुकाबला? हमको, हम लगड़ी टांग दौड़े, वो दोनों पैरों से दौड़ेगा और फिर कहेंगे हिंदी वाले कुछ नहीं करते, पीछे रह जाते हैं, ये तो है ही हिंदी वाले। उस दमदम में क्यों फंसे रहना चाहते हैं? तो जब मान सम्मान की बात होती है, ये आपके देखिए भविष्य की भी बात है, ये स्वावलंबन की भी बात है, और इसी में जब चुनौती की बात हो रही है, ये सबसे बड़ी चुनौती है, ये मेंटल स्लेवरी जो घुसाई गई है सालों से, इसका दूसरा पक्ष भी है कि भाई मैकॉलियन जो वर्ल्ड था वो अंगोले क्या बनाना चाह रहे थे, हमारे को स्लेव्स बना रहे थे, ब्राउन इन कलर इंग्लिश इन ब्लड, तो हमारे हिसाब से चले, पर वो तो पुरानी बात हो गई ना, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। तो हम उससे आगे बढ़ने के लिए क्या अपने आप को सक्षम पाते हैं? ये बहुत ही अपने आप में अहम सवाल हो जाता है। आप हिंदी पत्रकारिता कीजिए, मैं उसे हिंदुस्तानी पत्रकारिता कहता हूं, इतने शब्द हैं, अगर हम शब्दों का ही थोड़ा हेर फेर करने लगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर शब्द तो हिंदी के है ही नहीं जो हम बोल रहे हैं, और भाषा में भी धर्म धुर्म के चक्कर में मत पड़ना, ये धर्म की मजहबी सियासी दुकानदारी चल रही है,
जो आप बोलते हैं जो सरलता से सहजता से, यू आर इन अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, आसानी से सबसे सरल भाषा में अगर आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं तो आपसे बेहतर पत्रकार, एंकर, मॉडरेटर कोई नहीं हो सकता। किसी को दिमाग पर जोर ना लगाना पड़े, कमजोर आदमी ही, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त आदमी ही हाई साउंडिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा, भारी भरकम शब्दों का आपके ऊपर वो बोझ डाल देगा, देखो मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। और ये क्योंकि आप पत्रकार हैं, जब तक आप अपनी बात समझा नहीं पाएंगे लोगों को तो आप पत्रकार नहीं बन पाएंगे। आप कहीं ना कहीं खोकर रह जाएंगे। अब ये मेरे एक मित्र हैं, आजकल सोर्सिंग की भी बहुत दिक्कत है, लोग बहुत सारी चीजें दूसरों की अपने नाम से चला देते हैं, उनके अंदर इतनी भी ईमानदारी नहीं होती कि भाई ये दूसरे का आइडिया था और मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूं। इसको अंग्रेजी में प्लेजियरिज्म कहते हैं, प्लेजियराइज आजकल बहुत कुछ होता है, पर मैं प्लेजियरिस्ट नहीं हूं, नकलची बंदर नहीं हूं। तो मेरे एक मित्र हैं नवीन कुमार, मैंने उनसे कहा कि भाई नवीन मैं कल जाऊंगा रोहतक और वहां पर देश का भावी भविष्य जो है, भावी पत्रकार जो है वो होंगे, तो कुछ बातें कहनी है, क्या कुछ कहना चाहिए। तो ये नवीन का लिखा हुआ आपके सामने पेश कर रहा हूं। किसी भी तरह का शुद्धतावाद लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। ये हिंदी की शुद्धता की बड़ी बात हो रही है, चाहे वो विचार का हो, भाषा का हो, राजनीति का हो, रहन सहन का हो, खान पान का हो, पूजा पद्धति का हो, आचार व्यवहार या सरकार का हो। ये वैज्ञानिक विकास और विश्वास दोनों को दोनों की स्वाभाविक गति को रोक देता है, तार्किकता को रोक देता है। विकास की पहली शर्त है कि आप अपना दायरा तोड़ने को राजी हैं या नहीं। ये दोबारा दोहरा रहा हूं इस लाइन को, विकास की पहली शर्त है कि आप अपना दायरा तोड़ने को राजी हैं या नहीं। यहां हमने चार शब्द बोले, ये नवीन कह रहे हैं, ये नवीन के विचार हैं, खिलाफ, शर्त, दायरा और राजी। ये चारों हिंदी के मूल शब्द नहीं है। ये मैं सवाल भी पूछ सकता था आपसे, और अगर मैं आपसे ये पूछता कि खिलाफ, शर्त, दायरा और राजी ये कौन सी भाषा के शब्द हैं, तो आप कहते ना हिंदी के, नहीं कहते, उर्दू कहते। हमने इन्हें अपना लिया, अपना बना लिया। अपनाने के लिए अपनी जड़ताओं से बाहर आना पड़ता है। कूप मंडूक मन के काम नहीं चलेगा। इस दुनिया में बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो चाहते हैं आप हिंदी पत्रकार के कचोगा उड़े ही घूमते रहिए। अरे पत्रकार हूं, हिंदी इंग्लिश क्या होती है। आई एम अ गॉडडैम जर्नलिस्ट एंड अ गुड वन टू, काहे हिंदी अंग्रेजी। कोई अंग्रेजी का पत्रकार कहीं मिला है आपको ये कहते हुए आई एम एन इंग्लिश जर्नलिस्ट? कोई तमिल वाला भी ये कहते हुए मिला है कि आई एम अ तमिल जर्नलिस्ट? हम हिंदी वालों ने ये बोझा क्यों ओढ़ रखा है? हमने इन्हें अपनाया है, इन शब्दों को। अपनाने के लिए अपनी जड़ताओं से बाहर आना होता है। अगर हम दायरा तोड़ने और दूसरी सभ्यता को समझने के साथ अपनाने को तैयार ना हो तो आगे कैसे बढ़ेंगे, फिर तो शादी भी नहीं करेंगे। वही बात जो मैं कह रहा था वो नवीन ने भी कही है। और आगे वो क्या कहते हैं, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। ये जो शब्द है तत्सम, मतलब सीधे संस्कृत से उठा लिए, अग्नि, अमूल्य, ज्ञान वगैरह वगैरह। और तद्भव क्या है, संस्कृत से लिए लेकिन बदलाव कर दिया, अग्नि को आग बोल दिया, अमूल्य को अनमोल, अर्ध को आधा,
अश्रुओं को आंसू, और देशज जो हिंदी, जिस हिंदी की हम बात करते हैं, कटोरा, कलाई, पगड़ी, चिड़िया, और विदेशज जो दूसरी भाषाओं से लिए हुए हैं। अब आप बताइएगा, थोड़ा सा जीके एक क्विज कॉन्टेस्ट भी हो जाए। अमीर, दबा, दान, मजबूर, वकील, ये कौन सी भाषा है? दबा। जोर से बोलिए ना यार, पत्रकार आदमी हो, अभी से ऐसे हल्के हल्के बोलोगे तो आगे पूछोगे क्या? फारसी। और कोई? उर्दू लग रही है दान तो। अमीर, दबा, दान, मजबूर, वकील, ये अरबी है। अरबी। दुकान, बीमार, मुर्गा, शादी, ये कौन सी भाषा है? ये हिंदी है? नहीं है। फिर से सुन लीजिए। दुकान, बीमार, मुर्गा, शादी, ये फारसी है। हमें पता क्या है कौन सी भाषा में क्या चीज है। और कमीज, हम सब कमीज पहने हुए, कमीजदार, ये उर्दू हो सकती है। कमरा, गोदाम, कमरे में सोते हैं, गोदाम में गेहूं धान धून रखते हैं। और तौलिया, वो तो सबने इस्तेमाल किया होगा सुबह। कौन सी भाषा है ये? कौन सी भाषा है? Absolutely right. ये पुर्तगाली भाषा है। और ये बोतल, वो कड़वी बोतल भी पीते हैं बहुत से लोग शाम को, अफसर, डॉक्टर।